हे गाइस, मैं हूँ राजीव। वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी AMI। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं AMI का जो लेटेस्ट हेयरिंग है उसके ऊपर मैं एक सीरीज बनाता हूँ। आप चाहते हो तो आप मेरा जो लास्ट वीडियो था वो भी देख सकते हो। उसमें AMI का आज तक का जो कोर्ट केस चल रहा है उसके ऊपर डिटेल्स में थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बोला हूँ, ठीक है। तो आज का जो लास्ट जो हेयरिंग हुआ था 16 फरवरी में, उनको लेके ये वीडियो है। लेकिन आपको बोलने में थोड़ा दिक्कत ये हो रहा है क्योंकि मेरे पास अभी तक कुछ अपडेट है नहीं। मैं दिल्ली हाई कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट में जाके चेक कर रहा था, लेकिन अभी तक उधर जो है कोर्ट केस पेंडिंग दिखा रहा है, ठीक है। 16 फरवरी में जो हेयरिंग आने वाला था उसका अभी तक कुछ डिसीजन लिया गया है कि नहीं लिया गया है, या फिर इसको नेक्स्ट डेट मिला है, ये अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैं काफ़ी हायर ऑफिशियल से भी बात किया कि ये लास्ट जो हेयरिंग हुआ था उसका जो आउटकम आया उसके बारे में मैं कुछ हायर ऑफिशियल से भी बात किया था, लेकिन उन लोगों के पास में भी कुछ सॉलिड इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि ये जो हेयरिंग का डेट था वो 2 महीना फिर से पोस्टपोन हो, मतलब 2 महीना बाद का कुछ डेट इसको मिला है, ठीक है। तो ऐसे चल रहा है कि 7 साल से जो केस चल रहा है वो अभी तक कुछ इसका इतना तकरीबन 2.5 लाख स्टूडेंट इसके लिए सफ़र कर रहा है, क्योंकि काफ़ी लोगों का अभी आज तक जो इसका जो ये था सेक्शन ए सेक्शन बी काफ़ी लोगों का क्लियर भी हो चुका होगा, ठीक है। लेकिन उन लोगों के पास अभी तक जो डिग्री है वो AICTE के अप्रूव या फिर वैलिड नहीं है, ठीक है। लेकिन इस बार हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग के पास एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें काफ़ी सारा स्टूडेंट जो कि पास आउट है या फिर सीनियर सेक्शन ए सेक्शन बी का मेंबर है, काफ़ी स्टूडेंट हमारा वो ग्रुप में है। आप चाहते तो वो ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हम लोग उसमें AMI का रिकॉग्निशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मैं ये जो ग्रुप का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके तो ज्वाइन भी कर सकते हो। लेकिन अभी हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सात साल से इसका कुछ पॉजिटिव आउटकम नहीं आया है, और कोर्ट जो दिल्ली हाई कोर्ट या फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है इसको नोटिस नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या इसको थोड़ा सा वायरल करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या स्टेप लिए, ट्विटर का हेल्प लेके इसको थोड़ा सा वायरल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप AMI का स्टूडेंट हो सेक्शन ए या फिर सेक्शन बी आप या फिर आप पास आउट भी हो, ये जो ट्विटर पे जो आंदोलन हम लोग करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा तो शायद ये कुछ हायर लेवल तक पहुंच पाएगा हमारा ये बात, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कुछ हायर ऑफिशियल में ये इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन हो, इसके बारे में मतलब जो रिकॉग्निशन है इसको मिल जाए, हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों से मेरा मतलब रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप ये आंदोलन में शामिल हो, और जो जो ट्विटर में हम लोग कर रहे हैं मतलब जो पोस्ट कर रहे हैं इसको थोड़ा सा रीट्वीट करके इसको थोड़ा फैला रहा थोड़ा सा वायरल कीजिए, ठीक है। तो मेरे पास अभी कुछ सॉलिड इन्फॉर्मेशन नहीं है 16 फरवरी में क्या डिसीजन लिया गया था, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। एक्चुअल में मेरा माफ़ी मांगना भी कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि अगर किसी के पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होगा तो हम मैं आपको कैसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ, ठीक है। क्योंकि आपको तो मैं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देकर रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं ले जा सकते हो, ठीक है। तो जब भी कुछ नया हेयरिंग इसके रिगार्डिंग आता है तो मैं इस पर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, और तब तक आप साथ में रहिए। और AMI से लेके कुछ स्टेटस मतलब कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, नीचे कमेंट में भी बोल सकते हो आपका जो क्वेश्चन है, मैं सभी हर एक सब्सक्राइबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं टाइम लेके देता हूँ। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।